Hi guys, this is Ari from overseasmedicalstudy.com. दोस्तों जैसा हम लोग कल से सुन रहे हैं, कल रात से कुछ बच्चे हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सर नीट क्वालिफाई जो है वो अब हो चाहे नहीं हो और हम अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इस न्यूज का जो है मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ, इस न्यूज का जो हकीकत है क्या है। अब तक का दिल्ली हाई कोर्ट में नीट के नीट एलिजिबल को लेकर के, नीट एलिजिबिलिटी को लेकर के एक पेटिशन डाला गया था कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू। तो उस पे जो कल का जो जजमेंट आया है कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो भी क्लियर नहीं है, जो क्लियर आपको मेरे ख्याल से सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चे नीट इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं या जो बच्चे नीट में अपियर ही नहीं हुए इस बार या उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि इंडिया में इंडिया से बाहर जाने के लिए जो जाके हम लोग अब्रॉड जाकर के जो हम लोग MBBS करते हैं, जो स्टूडेंट MBBS करते हैं उनको नीट एलिजिबल होना चाहिए, ये चीज की जानकारी शायद जो एक अवेयरनेस थी ये कंप्लीट रूप से हो नहीं पाई थी। तो इसको लेकर के हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट स्टूडेंट्स के फेवर में, उन स्टूडेंट्स के फेवर में ये फैसला दे दे कि इस बार जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं या नीट में अपियर नहीं हुए हैं वो अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए। ये न्यूज अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 दिन के अंदर ये मामला सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं जाने के लिए, मतलब वो स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं जाने के लिए जो स्टूडेंट इस बार नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर उन्होंने नीट में अपियर ही नहीं हुआ उन्होंने। ठीक है, पहला न्यूज तो ये है। दूसरा न्यूज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है जॉर्जिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जॉर्जिया गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम मार्च वाले सेशन में, जो इनका विंटर सेशन होता है, उस सेशन में उन्होंने आइल्स और टॉफिल को कंपलसरी कर दिया था कि अगर कोई बच्चे जॉर्जिया जाएंगे तो वो आइल्स और टॉफिल देकर के जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रूल फिर से चेंज हो चुका है। इफ यू वांट टू गो जॉर्जिया फॉर MBBS तो आपका जो नीट है, सॉरी ये आइलेट्स है या टॉफिल है, वो आपको देके जाने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस अब ये हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस पे डाउट है कि जॉर्जिया मुझे जाना है और आइलेट्स के बिना जाना है, अगर उनको लिंक चाहिए तो प्लीज हमें कॉल कीजिए, आपको हम लिंक शेयर करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है जॉर्जिया के लिए। हाँ, एक चीज और, जॉर्जिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनको जॉर्जिया गवर्नमेंट ने डिबार्ड कर दिया है, जिनमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे एजेंट से, ऐसे कंसल्टेंसी से दूर रहें जो आपको गलत यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जॉर्जिया में प्रोवाइड करें। किन किन यूनिवर्सिटीज में जॉर्जिया में एडमिशन होगा इस बार, नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। और जानकारी के लिए, और भी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल overseasmedicalstudy.com पे। थैंक यू वेरी मच।